हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम क्लास नाइन्थ की सब्जेक्ट साइंस की 24 डेट की वर्कशीट 22 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल ऑर्गेनिक्स। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बेसिकली आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनसे आपकी फंक्शनिंग होती है बॉडी की। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड हाउ डज ए सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब आपका प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, अब देखो इसका आंसर क्या दे रखा है। सबसे पहले इसने बता रखा है कि एक जो सेल होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, तो बहुत सारी सेल्स हैं, मिलियंस में सेल्स हैं, तो एवरी सेल हैज़ एटलीस्ट थ्री फीचर्स पार्ट इन इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तीन चीज़ें हमेशा होती हैं, कंपलसरी हैं, जो कि हैं आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो लिक्विड पार्ट होता है, जैसे ये सेल है, ये बाहर इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी क्या हो गई, पूरी आपकी ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बीच में आपका ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर ये जो है, ये जो बीच का पार्ट बच गया, ये क्या हो गया, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आ भी जाता है क्वेश्चन की तीन फीचर जो कि मेन हैं, वो हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब आपको यहाँ पे साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन दे रखी है, मैंने आपको वही बताया, द फ्लूइड और द लिक्विड इनसाइड द सेल दैट इज़ कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो और स्पेसिफिक कर देते हैं हम डायग्राम को अपने, ये है जैसे सेल है ना, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस हो गया बीच में, बाकी बचा जो पार्ट है ये जो है ये क्या हो गया, ये आपका साइटोप्लाज्म है। दिस इज़ द फ्लूइड और द लिक्विड जो कि सेल के इनसाइड है, और विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय सेल मेम्ब्रेन, ओके, विच इज़ कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटेक्टेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका यहाँ पर हो जाता है आपका, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आपका क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म विच इज़ द फ्लूइड इनसाइड द सेल। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं किस पे, हम सेल ऑर्गेनिल्स स्पेस में इन्होंने क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। सेल ऑर्गेनिल्स क्या है, वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म होते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना आपका, ये जैसे ये बनाया हमने, ये है, ये आपका जैसे साइटोप्लाज्म है आपका, यहाँ पे ये पिंक कलर में, ये आपका पूरा क्या है, ये आपका वो है न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये बाहर आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे एक वो होगा, यहाँ पे एक बॉडी होगी, यहाँ पे एक बॉडी होगी, बॉडी मतलब सेल ऑर्गेनिल्स, ऐसे मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, इन्होंने दे रखा है द मेन सेल ऑर्गेनिल्स। अब मेन सेल ऑर्गेनिल्स के इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं, जो है आपका गॉगलिया एपरेटस, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर। अब हर एक सेल ऑर्गेनिल का अपना एक क्रूशियल, अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूडेड हैं, जैसे प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड एनर्जी, वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट को बाहर निकालना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। यहाँ पर ये जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, इनका यही काम होता है। सेल ऑर्गेनिल्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और अब लास्ट आ जाता है प्रोटोप्लाज्म, दैट व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है एक्चुअली द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, इंक्लूडिंग जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, न्यूक्लियस भी आ जाते हैं, और सारे ऑर्गेनिल्स भी आ जाते हैं। सो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनिल्स इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें ये जो है क्वेश्चन, इसका क्या आंसर है, हाउ डज ए सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ
सेल ऑर्गेनिल्स, इसमें इतने सारे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, फिर इसके तीन फीचर्स भी होते हैं, है ना। अच्छा अब हम आ जाते हैं, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। सब्सटेंस, जब आपका जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है टू अनदर कंपाउंड, टू स्मॉलर पार्टिकल, जिससे आप अच्छे से ऐसे थोड़े ना, मतलब इतना सारा खाना लेते हो अपने मुँह में, अब वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। अब लाइफ प्रोसेसेस के द्वारा बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे बाद में जो आपको एनर्जी मिलती है। तो ये जो सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं अकरिंग इनसाइड द बॉडी आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म इज़ ए जनरल टर्म दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पर एक जो है ना, एक आपको वो भी दे रखा है डायग्राम, बनाने को भी आ जाता है स्कूल में, आपके बनाने को आ सकता है। सेल ऑर्गेनिल्स इन प्लांट सेल बता दो, सेल ऑर्गेनिल्स इन एनिमल सेल बता दो। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है, डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। इसमें डिफरेंस ये होता है आपका, एक्चुअली आपको इसमें दिख जाएगा वैसे तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो, कि आप देखो डायग्राम को देखो, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी है। मतलब इसमें दोनों स्मूथ भी और रफ भी है, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं। इसमें दोनों है, प्लांट सेल में दोनों प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में सिर्फ एक प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा एनिमल सेल ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है प्लांट सेल? ऑफकोर्स एनिमल सेल, क्यों? क्योंकि एनिमल सेल को क्या है, आपकी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखो इसमें RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऊपर दे रखा है और इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नीचे दे रखा है, ठीक है। मतलब दोनों है, इससे में ये पता चलता है, ओके। ये आपके गॉल्गी अपैरेटस है, यहाँ इसमें आपका गॉल्गी अपैरेटस यहाँ है, ये आपके न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। देखो इसमें आप देख सकते हो। अच्छा फिर इसके बाद ये आपके सेंट्रियोल्स हैं, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब, माइट्रोकॉन्ड्रियन क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रियन भी एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिल है, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं आगे, एक चीज़ देखो, एक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। अगर जैसे डिफरेंस पूछ लेते हैं सेल ऑर्गेनिल्स इन एनिमल सेल और सेल ऑर्गेनिल्स इन प्लांट सेल में, जो कि क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट इसमें होगा, इसमें नहीं होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं कि इसमें एक और डिफरेंस है, देखो पता लगाओ पाओ तो, देखो ध्यान से। इसमें आपको दिख रहा है सेल वॉल, ये आपको सेल वॉल दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसमें डबल कवरिंग होती है प्लांट सेल में, इसमें सिर्फ सिंगल प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं क्या नीचे। अच्छा हाँ एक और डिफरेंस है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है इसमें, लार्ज होता है इसमें वैक्यूल, मतलब वैक्यूल का होता है जहाँ पर आपका स्टोरेज होता है, ठीक है, वेस्ट पार्टिकल्स का, फूड का, यहाँ पे स्टोरेज होता है। इसमें ज़्यादा, इसमें भी होता है वैक्यूल तो, लेकिन इसमें कम होता है क्योंकि इसमें स्टोरेज कम पड़ती है, इसमें स्टोरेज ज़्यादा होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखो इसमें वही आ गया डायग्राम बनाने को, सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, हमने ऊपर ही देखे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये आपकी डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर क्या दे रखा है, गिव वन एग्जांपल, एग्जांपल दे दो कोई सा भी एग्जांपल दे दो, जैसे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए सब्सटेंस। तीसरा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, डिफरेंशिएट देखो, डिफरेंशिएट अभी वैसे मैंने बताया है कि डिफरेंशिएट कैसे करना है प्लांट और एनिमल सेल में।
प्लांट सेल में जो है सबसे पहला डिफरेंशिएशन तो ये आ जाएगा कि लार्ज होता है इसमें वैक्यूल, इसमें क्या होता है इसमें स्मॉल होता है वैक्यूल। इसमें आपकी लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें आपकी स्मॉल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दो गए। और इसमें आपकी दो कवरिंग होती है, इसमें आपकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तीन हो गए। अच्छा अब चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड। साइटोप्लाज्म होता क्या है, कहाँ है, वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड। साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल होता है विच इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक्चुअली एक फ्लूइड होता है जो अंदर होता है सेल के, इनसाइड द, आप सिर्फ ये लिख दो इनसाइड द सेल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब करे बिना तो जाओ ही मत यार, सब्सक्राइब करो तो एक मिनट लगती है। थैंक यू सो मच, और कम से कम ये वीडियो ना फैला दो अपने 20 दोस्तों को, कम से कम शेयर कर देना।